समन्वय विद्यापीठ आश्रम बगहा में मौजूद हूँ और यहाँ पे पीछे देखिए बहुत सारे गाय हैं, ठीक है, जो दूध देती हैं। इनका सेवा इसी आश्रम के माध्यम से किया जाता है। बहुत सारे यहाँ पे वर्कर हैं जो गाय की सेवा करते हैं और यहाँ पे एक है स्टाफ जो इनके बारे में बताएंगे। यहाँ पे ये सब गाय का जो दूध वगैरह जो यहाँ पे हम लोग दूहते हैं वो मतलब पैसा से बेचते हैं कि क्या होता है? पहले बेचते थे पैसा से जी, लेकिन अभी तो दूध नहीं बिक रहा है। अभी तो यहाँ बच्चे 150 बच्चे रह रहे हैं हॉस्टल में, हॉस्टल में जी, तो उसी को पूरा नहीं हो पा रहा है जी, तो अभी बच्चे में ही दूध। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजय कुमार सिंह है। अच्छा अच्छा, तो आप मतलब कौन सा पोस्ट पे यहाँ पे कार्य, क्या काम देखते हैं आप, आपका क्या काम है यहाँ? हम जिस समय आए थे उस समय काफी सेंटर चलता था अगल बगल में, 200 रुपया महीना का अनौपचारिक शिक्षा चलता था। उस समय सुपरवाइजर थे जी जी, तो वो खत्म हो जाने के बाद में फिर यहाँ के बच्चों को पढ़ाते थे जी जी, लेकिन अभी CBSE बोर्ड कर दिया गया है तो BEd के शिक्षक के यहाँ लिया गया है। अच्छा, तो आप कितने वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं? मैं 28 वर्षों से यहाँ काम कर रहा हूँ। 28 वर्षों से कर रहे हैं जी। तो ज्योति मां जी जो विधायिका बनी हुई है जी, वो जब यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा जब यहाँ दी जाती थी उस समय वो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे, उस समय आप मौजूद थे यहाँ पे? जी नहीं। नहीं थे? नहीं थे। अच्छा, तो अभी आप, अभी आपका क्या दैनिक कार्य होता है? दैनिक कार्य मुझे खेती में भी काम करना पड़ता है, अति लेबर के लेकर के जी जी, और गौशाला में कोई स्टाफ नहीं है तो फिर यहाँ भी देख रेख करते हैं। कितना गाय यहाँ पे है लगभग? यहाँ पर ये अभी 24 गाय हैं। 24 गाय है, जिसमें दूध देने वाली गाय की संख्या कितनी है लगभग? दूध देने वाली गाय की संख्या अभी 4 है। 4 है, कितने लीटर दूध हो जाते हैं सुबह शाम से? सुबह शाम से अभी 16 लीटर दूध होता है। 16 लीटर, तो 120-125 बच्चे यहाँ पे जो हॉस्टल में रहते हैं तो उनको पूरा हो जा पा रहा है या बाहर से लाना पड़ता है? बाहर से नहीं लाना पड़ता है, नहीं लाते हैं जी जी, लेकिन उस दूध को ऐसा हम लोग व्यवस्था किए हैं कि एक दिन लड़कियों को देते हैं जी जी और एक दिन लड़कों को देते हैं। अच्छा, अल्टरनेट डे करके देते हैं ना? अच्छा, बाहर से नहीं मंगाना पड़ा। जब दूध का संख्या बढ़ जाएगी लीटर में दूध तो, जब ज्यादा होती है तो फिर दोनों को प्रतिदिन मिलता है? प्रतिदिन मिलता है। अच्छा, मतलब मैनेज करते, एडजस्ट करना पड़ता है जी। चलिए, और भी यहाँ पे गाय मतलब कुछ दिन में आने वाले हैं, आप जो है उसमें से आप लोग हटाने वाले हैं गाय बाहर से और मंगाने वाले हैं? मंगाने वाले कितनी संख्या में लगभग? कुछ दिन में दो तीन गाय ऐसा बोला गया है, हम लोग जैसे बोले हैं जी जी, आप लोग डिमांड किए हैं? डिमांड किए हैं कि गाय की जरूरत है जी जी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी हम लोग सोचेंगे इसके बारे में और अभी आए है नहीं, लेकिन आने के लिए। चलिए, आप लोग गाय माता का सेवा कर रहे हैं जी, बहुत आप लोग खुश नसीब है कि आप लोग इस आश्रम में सेवा करने का मौका मिला है। पैसा कमाने का मौका नहीं मिला है? पैसा कमाने का मौका तो नहीं मिला है, सेवा करने का मौका मिला है। समझ गए, आए थे उस समय 648 रुपया हमको पेमेंट था। 648 रुपया जी। अभी कितना मिलता है चाचा आपको? अभी हमको 10,000 रुपया मिलता है। अभी 10,000 रुपया मिलता है, यानी कि आज के डेट में समझिए कि 10,000 रुपया बहुत ज्यादा राशि तो नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो मतलब कि सेवा का जो भाव है उसी के लिए ये कार्य कर रहे हैं। इनको आनंद आता है करने में, बहुत अच्छा लगता है, अंदर से दिल को सुकून मिलता है कि ये सेवा कर रहे हैं, ठीक है। इस आश्रम के लिए ये अपना पूरा लाइफ को समर्पित कर दिए हैं और सेवा कर रहे हैं, और उनके बदले में इनको जो भी राशि मिल रहा है उससे आप खुश है ना? मैं खुश हूँ, पूरा खुश है कि बच्चों से यहाँ के एक एक पेड़ पौधों से इतना लगाव हो गया है कि इच्छा नहीं करता। यहाँ पे देखे थे कि 7 कुएं बने हुए हैं, उस कुएं के बारे में कुछ रहस्य बात है तो बताइए। नहीं, कुआं के बारे में तो हमको आने से पहले से कुआं बना हुआ है। हाँ। और ये कुआं से ही पटवन होता था पहले जी जी, लेकिन अब लेयर अंदर चल जाने के कारण अभी तालाब से पटवन होता है, तालाब इसलिए खोला। कितना कुआं है टोटल? 7 कुआं है। बड़ा कुआं क्या साइज है कुआं का लगभग? बड़ा कुआं का 40 फीट गहरा है। चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई कितना है? 20 फीट चौड़ा है। अरे 20 फुट का कुआं सारा है जी। ठीक है, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, और इस आश्रम को और अपना समय दे करके अपना सेवा के भाव से मेहनत करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। ठीक।